करारी हार के बाद से कांग्रेस का मौसम खराब चल रहा है। राहुल गांधी पार्टी के नेताओं से रूठे हुए हैं। जगह जगह से पार्टी में टूट फूट और बिखराव की खबरें हैं। इसी बीच कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले अहमद पटेल पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल अहमद पटेल 2017 में गुजरात से राज्यसभा सांसद बने थे, लेकिन पटेल की इस जीत को बीजेपी के प्रत्याशी रहे बलवंत सिंह राजपूत ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और अहमद पटेल पर फर्जीवाड़े से चुनाव जीतने के आरोप लगाए थे। इसी याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने पटेल को 20 जून को हाजिर रहने को कहा है। बलवंत सिंह राजपूत ने अपनी याचिका में दावा किया है कि चुनाव आयोग को मतदान के दौरान राघव जी पटेल और भोला भाई गोहेल के मतपत्र रद्द करने का निर्णय गलत था। बीजेपी नेता इसी आधार पर पटेल के निर्वाचन को रद्द करने के साथ ही 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी की मांग भी कर रहे हैं। इससे पहले अहमद पटेल ने राजपूत की चुनाव याचिका को मान्य नहीं रखने जाने की गुहार सर्वोच्च न्यायालय में भी लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर रोक लगाने की मांग को ठुकराते हुए उन्हें ट्रायल का सामना करने की हिदायत दी थी। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मोदी की नई सरकार की पहली चाबुक चल गई है और ये चाबुक चली है सबसे कमाई वाले विभाग माने जाने वाले आईटी यानी इनकम टैक्स विभाग पर। मोदी सरकार ने माल काट रहे 12 इनकम टैक्स अफसरों को जबरन रिटायरमेंट दे दी है। नौकरी से निकाले गए अफसरों पर लगातार घूसखोरी के आरोप लग रहे थे। इन लोगों ने हर चीज की हद कर दी थी। ये लोगों से जबरन डरा धमका कर पैसा वसूलते थे। इसके साथ ही कुछ अफसरों पर तो साथी महिला अफसरों के यौन शोषण तक का आरोप है। आपको बता दें कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 के नियम 56J के तहत केंद्र सरकार कंपलसरी रिटायरमेंट दे सकती है। मतलब ये कि सरकार ऐसे अफसरों को जबरन रिटायरमेंट दे सकती है जो ठीक से काम ना करते हो। ये नियम काफी पहले से प्रभावी है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार आने वाले दिनों में कुछ और अफसरों पर ऐसी कार्रवाई कर सकती है। निकाले गए अधिकारियों में कई भारतीय राजस्व सेवा के IRS अफसर हैं। IRS भी IAS IPS वाला एग्जाम पास करके बनते हैं। जाहिर है अफसर बनने पर इनके घरों में भी खूब लड्डू बटे होंगे, लेकिन आज इनके यहाँ मातम पसरा है। मोदी सरकार ने जिस तरीके से इन भ्रष्टाचारी अफसरों को एक झटके में चलता कर दिया, उससे IT के साथ ही कई विभागों में भी हलचल मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी की भी अजीब समस्या है। वो चाहते हैं कि उन्हें अध्यक्ष पद नहीं चाहिए, लेकिन चापलूस कांग्रेसी और उनकी मां सोनिया गांधी लगातार उन्हें अध्यक्ष पद पर बनाकर रखना चाहते हैं। दरअसल कांग्रेसियों को लगता है कि राहुल जब तक अध्यक्ष रहेंगे तब तक उन्हें मनमानी करने को मिलती रहेगी और सोनिया का दिल तो माँ का दिल है, ऊपर से पार्टी पर कोई और कब्जा न कर ले इसकी भी उनको चिंता है। लेकिन राहुल भी ऐसे हैं जो अध्यक्ष पद छोड़ने की जिद पकड़कर बैठ गए हैं। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि राहुल गांधी शुरुआत से ही अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे और लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ने की एक वजह मिल गई। पहले तो ये भी कहा जाता था कि राहुल गांधी का राजनीति में मन नहीं लगता। उनकी माँ सोनिया गांधी जबरदस्ती उन्हें राजनेता बनाकर रखना चाहती हैं और हालात भी अब यही बताते हैं कि राहुल गांधी का मन राजनीति से भर गया है। उनके कहने पर ही सोनिया गांधी ने प्रियंका को पार्टी में एंट्री दिलाई और महासचिव बनाया और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी ही कांग्रेस की सर्वे सर्वा बन जाएं और पति रॉबर्ट वड्रा के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी चलाएं। राहुल तो चुनाव में हार के बाद से ही अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान करने वाले थे, लेकिन कुछ दिनों तक उन्हें समझाया गया, कार्यकारिणी की बैठक हुई तो भी राहुल अध्यक्ष पद से इस्तीफे की जिद पकड़कर बैठे हुए थे और आज भी राहुल का रवैया वैसा ही है। अब कितने दिन तक सोनिया और प्रियंका राहुल को मना कर रख पाते हैं यही देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। 3 तलाक का मुद्दा देश में फिर से उठने लगा है। आगामी बजट सत्र में मोदी सरकार 3 तलाक बिल को किसी भी हाल में पास कराने के मूड में है। वहीं NDA सरकार की सहयोगी दल JDU ने कहा है कि वो इस बिल को लेकर सरकार का साथ नहीं देगी। JDU के महासचिव और बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी इसका विरोध किया था, हम आगे भी इसका विरोध करेंगे। आपको याद दिला दे कि अनुच्छेद 370, कॉमन सिविल कोड, राम मंदिर और 3 तलाक जैसे मामलों पर JDU समय समय पर BJP से अलग अपना स्टैंड स्पष्ट कर चुका है।
आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जेडीयू एनडीए में बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी है, क्योंकि जेडीयू के पास लोकसभा में 16 वहीं राज्यसभा में 6 एमपी है। इसलिए जेडीयू के सहयोग के बगैर 3 तलाक के बिल को पास कराने में मोदी सरकार को दिक्कत आ सकती है। दरअसल मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार ने सांकेतिक भागीदारी से इनकार कर दिया था, जिसके बाद से बीजेपी और जेडीयू में तलखी दिख रही है। बहरहाल एनडीए में रहकर नीतीश कुमार कब तक सरकार का विरोध कर पाते हैं और कब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नीतीश की चालाकियों को बर्दाश्त करते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बंगाल में बदलाव की आहट से ममता बनर्जी की बौखलाहट सारी हदें पार कर रही हैं। बंगाल में मची सियासी मारकाट को केंद्र सरकार ने ममता की नाकामी बताया। गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर एक्शन लेने को कहा, लेकिन ममता ने दो टूक कह दिया कि यहाँ सब ठीक है। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने अब ममता पर हमला किया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने ममता से पूछा है कि उन्हें जय श्री राम से इतनी चिढ़ क्यों है और गुजरात से उन्हें परहेज क्यों है। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी बंगाल को गुजरात बनाना चाहती है, जो वो होने नहीं देंगी। इस पर संजय राउत ने याद दिलाया कि गुजरात शांत है और हर मामले में बंगाल से ज्यादा प्रोग्रेसिव स्टेट है, फिर कैसे वो गुजरात के नाम पर नाक भौ सिकोड़ सकती है। शिवसेना नेता ने ये भी कहा कि ममता बंगाल में किसी को भी जय श्री राम बोलने से रोक नहीं सकती। आपको बता दें कि चुनाव कैंपेनिंग की शुरुआत से ही बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है। ऊपर से लोकसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी ने बंगाल में जिस धमक के साथ एंट्री ली है, उससे ममता को अपनी सियासत खतरे में दिखने लगी है। यही वजह है कि ममता बनर्जी इसे अपनी नाक की लड़ाई बना रही हैं। नतीजन बंगाल सियासी हिंसा की आग में सुलग रहा है। जानकार बताते हैं कि ममता के लिए इसके नतीजे भी उल्टे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस में कोई टिकटों की खरीद फरोख्त को हार का कारण बताए या हाईकमान के असहयोग का या फिर नकारात्मक प्रचार को कोई जिम्मेदार बताए, लेकिन गांधी वड्रा परिवार का फंडा साफ है। जो जीते वो गांधी और वड्रा परिवार का चमत्कार और जो हारे वो नेताओं की गद्दारी और कार्यकर्ताओं की काम चोरी। राहुल गांधी के हिसाब से कमलनाथ, अशोक गहलोत और पी चिदम्बरम ने लुटिया दुबोई, तो प्रियंका वड्रा ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में चीखते हुए कहा कि जो गद्दार हैं वो इसी कमरे में बैठे हैं। अब सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जब रायबरेली पहुंची तो ये जानने की कोशिश हुई कि जीत तो मिली लेकिन इतने कम वोट क्यों मिले। फिर प्रियंका वड्रा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा और कह दिया कि कार्यकर्ताओं की काहिली और कामचोरी की वजह से कांग्रेस हारी। सवाल ये है कि जब गद्दार नेताओं और कामचोर कार्यकर्ताओं की पहचान प्रियंका वड्रा कर चुकी हैं, तो फिर वो सारे कांग्रेस में अब तक क्या कर रहे हैं? क्या हार के लिए प्रियंका वड्रा का चेहरा चमकाऊ राजनीत नहीं, जिस पर बीजेपी नेता वरुण गांधी ने चुटकी भी ली थी कि कहा था चेहरा चमका कर वोट लेने का समय कब का खत्म हो चुका है, अब वोट सिर्फ काम करने वालों को मिलता है। क्या हार के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं, जो रफाल घोटाले की बात करते रहे और पीएम मोदी को चोर कहते रहे? अमेठी में तो पूरे गांधी और वड्रा परिवार ने परेड की थी। क्या हुआ नतीजा? माना जा रहा है कि हार दर हार बावजूद राहुल गांधी और वड्रा परिवार अपने ऊपर कोई आंच नहीं आने देना चाहता, क्योंकि उन्हें अब तक इस बात का गुमान है कि उनके नाम और चेहरे में चमत्कार है। देश के सारे कांग्रेसी शायद उसी चमत्कार के इंतजार में हैं कि चमत्कार होगा और वो सत्ता का सुख भोग पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी की कांग्रेस जितनी पुरानी है उतने ही उसे दांव पेच आते हैं। लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई तो पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ऐसी बातें करने लगे मानो सच्ची में वो पद छोड़ देंगे और किसी गैर गांधी परिवार से ताल्लुक रखने वाले शख्स को पार्टी की कमान मिल जाएगी। बाकायदा नेताओं ने आवेदन भी शुरू कर दिया, कार्यकारी अध्यक्षों के नाम भी सामने आने लगे, मीडिया में ऐसी खबरें फैलाई गई मानो राहुल आज नहीं तो कल अध्यक्ष पद से हट ही जाएंगे। लेकिन आखिरी में नतीजा वही रहा जिसकी उम्मीद ज्यादा थी। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद से नहीं हटेंगे। पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता और राहुल के आगे पीछे घूमने वाले रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल ही अध्यक्ष थे, हैं और रहेंगे। सुरजेवाला की बात सिर्फ चापलूसी की बात नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि राहुल ही अध्यक्ष थे और वही रहेंगे।
एक मजे की बात ये कि राहुल गांधी ने कभी सामने आकर खुद नहीं कहा कि वो अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते हैं, बल्कि मीडिया में इस तरह की खबर प्लांट कराई गई और राहुल बंद कमरे से मानो मजे लेते रहे। अब राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष के रूप में ही पार्टी के साथ काम करने लगे हैं। वो आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी से लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, नेताओं से बात मुलाकात हो रही है, मतलब साफ है कि कांग्रेस का ये तमाशा अब खत्म हो गया है और अध्यक्ष पद फिर से गांधी परिवार के पास ही हजम हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस की इस वक्त अगर ये दुर्दशा हुई तो इसके पीछे राज्यों में पार्टी की कलह है। केंद्र में तो गांधी परिवार का राज है, इसलिए यहाँ कोई कुछ कर नहीं पाता, लेकिन राज्यों में कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी है। यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, गुजरात में तो पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा ही नहीं, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में अगर चेहरा है तो उस चेहरे पर सियासी चाकू चलाने की भी कोशिश बार बार की जाती है। अब आपको हरियाणा में कांग्रेस के अंदरूनी कलह की कहानी सुनाते हैं। हरियाणा में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे और 2014 में बीजेपी चुनाव जीत गई, लेकिन इतने दिनों में पार्टी के भीतर कलह इतनी बढ़ती चली गई कि अब ये कलह राहुल गांधी चाहकर भी खत्म नहीं कर पाएंगे। हरियाणा में कांग्रेस के कई गुट हैं। पहला गुट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, दूसरा गुट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर का, तीसरा गुट कांग्रेस के एक बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला का, क्योंकि सुरजेवाला भी एक वक्त में सीएम बनने का सपना पालकर बैठे थे, चौथा गुट किरण चौधरी का और पांचवा गुट उस कुलदीप बिश्नोई का जिन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस का कांग्रेस में कुछ दिन पहले ही विलय किया था। मतलब छोटा सा राज्य और पांच पांच गुट। अब भला हो तो कैसे हो, ऊपर से आए दिन कांग्रेसी आपस में उलझ जाते हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव की हार की समीक्षा के लिए गुरुग्राम में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी थी, लेकिन अशोक तंवर के गुट को छोड़कर कोई पहुंचा ही नहीं। हुड्डा ने तो इस बैठक में जाना ही पसंद नहीं किया। अब राहुल की ऐसी कांग्रेस को भगवान राम ही बचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। गांधी वड्रा परिवार अब तक चुनावी हार के गम से उबरा ही नहीं है, वजह एक नहीं कई हैं। सबसे बड़ी वजह ये कि ये मानकर चल रहे थे कि जैसे तैसे सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी, इसीलिए चुनाव से पहले ही कांग्रेस के कपिल सिब्बल और रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे नेता सरकारी अफसरों को हड़काने लगे थे कि उड़ो मत, हम आ रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद सोनिया गांधी एक्शन में आ गईं, चंद्रबाबू नायडू से लेकर सीताराम येचुरी तक सबको सरकार बनाने के काम पर लगा दिया। कमलनाथ को राहुल गांधी को पीएम बनवाने का जिम्मा सौंपा गया, कांग्रेस के सारे वकीलों को अलर्ट कर दिया गया, मानो कोर्ट के रास्ते ही राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे। फिर सुबह शाम चुनाव आयोग के चक्कर शुरू हुए, मतलब सरकार बनने के लिए जितनी तरह की तिकड़म किए जा सकते थे सब किए गए, लेकिन नतीजों के बाद सारी तैयारियां और सारे चालें धरी की धरी रह गईं, सब हवा हो गई। इसीलिए सोनिया गांधी बेहद नाराज हैं। रायबरेली में उनका गुस्सा फूटा, उन्होंने सीधे पीएम मोदी पर निशाना लगाया। सत्ता में बने रहने के लिए सारी मर्यादाएं तोड़ी गईं। लगे हाथ चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। सोनिया गांधी को चुनावी प्रक्रिया पर कई तरह के संदेह पैदा हो गए हैं। असल में ईवीएम और चुनाव आयोग कांग्रेस ही नहीं, सभी विपक्षी दलों का प्रिय विषय है। हर चुनावी हार के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना इन सब का पुराना शगल है, इसीलिए सोनिया गांधी ने भी वही किया। अब वो अपने बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका वड्रा पर तो हार का ठीकरा फोड़ नहीं सकती, तो बलि का बकरा चुनाव आयोग ही बनेगा। इसीलिए सोनिया गांधी चुनाव को ही अनैतिक और न जाने क्या क्या बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।